छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों और उनके परिवारों की समस्याओं को लेकर एक नई पहल की गई है। उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान करने के लिए अब शहीद पुलिस सेल बनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य शहीद पुलिस जवानों के परिवार को सहायता और समर्थन प्रदान करना है। राज्य के सभी आईजी रेंज के कार्यालय में यह सेल होगा, जहां शहीदों के परिवार के लोगों की कंप्लेन मिलने पर 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के हर आईजी रेंज के दफ्तर में एक शहीद पुलिस सेल बनाया जा रहा है। दरअसल शहीद पुलिस जवानों के परिजन अपनी समस्याओं को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मिले थे, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने इस सेल को बनाने की घोषणा की थी और अब प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य में 7 आईजी रेंज हैं। प्रत्येक रेंज में शहीद पुलिस सेल होगा, जिसके अध्यक्ष आईजी रेंज होंगे। उनके साथ अधिकारियों की टीम होगी। आईजी कार्यालय में शहीदों की समस्या की डिटेल तैयार करने के लिए एक अफसर को भी नियुक्त किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में साल 2013 से 2022 के बीच 10 साल में 3,447 नक्सली हमले हुए। इनमें छत्तीसगढ़ के 418 जवानों की शहादत हो चुकी है। शहीद पुलिस सेल में शहीद जवानों के परिवार की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को इकाई स्तर, रेंज स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर बैठकें होंगी। इसमें शहीदों की परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक बुधवार को शहीद पुलिस जवानों के परिजनों के लिए अलग से समय निर्धारित रहेगा, ताकि वे अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकें। शहीद परिवार अनवरत विभिन्न विषयों को लेकर के आंदोलित होते थे, उनको परेशानी होती थी। अब यह व्यवस्था खड़ी की गई है कि एसपी कार्यालय में तो कभी भी जा सकते हैं, उपरांत भी आईजी कार्यालय में महीने में वो उनका जाना हो पाएगा और जाकर के वो अपनी बात कह सकते हैं और उसी आईजी कार्यालय से वो पीएचक्यू से भी जुड़ सकते हैं। शहीद परिवारों की समस्याओं का निराकरण अगर जिला इकाई की बैठक में नहीं होता है तो रेंज स्तरीय शहीद पुलिस सेल उनकी समस्या हल कराएगा। अगर रेंज स्तरीय शहीद पुलिस सेल के स्तर पर भी समस्या का हल नहीं हुआ तो पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित शहीद पुलिस सेल में उसका हल किया जाएगा। इनके लिए 15 कार्य दिवस का समय निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक सेल में करीब 5 से 6 जवानों की नियुक्ति की जा रही है और वो पूरे पुलिस जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की समस्याओं को देखेंगे। अब उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार भी गंभीर हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस सेल के गठन के बाद शहीद जवानों के परिजनों को कितनी सहूलियत मिलती है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह।